100.1 पर। कर 10 मिनट और 26 सेकंड, आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, और अब समय है कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी। आज आपके साथ हूं मैं आशीष, नमस्कार। वो जो एक फिल्म थी के तहत दोस्तों हम आपके लिए कैसी यादगार सदाबहार फिल्म लेकर आते हैं जो अपने जमाने में सुपर डुपर हिट तो रही ही, लेकिन आज भी उसकी कहानी, उसके गीत हमें और आपको कहीं ना कहीं आनंदित करते हैं, हमारे दिल को छू लेते हैं। ऐसी ही एक फिल्म आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो 1961 यानी 1961 में रिलीज हुई हिंदी ड्रामा फिल्म, पारिवारिक फिल्म। फिल्म का नाम है भाभी की चूड़ियां। इस फिल्म को निर्देशित किया था सदाशिव जे राव कवि ने, और इस फिल्म में थे मुख्य भूमिका में मीना कुमारी, बलराज साहनी, सीमा देव, दुर्गा खोटे और शैलेश कुमार। फिल्म को लिखा था श्रीनिवास जोशी और वाई जी जोशी ने, और निर्माण किया था इस फिल्म का महीपत राय शाह ने। कैमरा पक्षभार संभाला था अरविंद लाड ने, और संगीत दिया था इस फिल्म में सुधीर फड़के ने। यह फिल्म जो थी 1953 में प्रदर्शित एक फिल्म थी, मराठी फिल्म, जिसका नाम था वाहिनी चिया बांक्या की रीमेक है। और इस फिल्म के बारे में हम आपको ये कह सकते हैं कि एक दौर था जब पारिवारिक फिल्में चला करती थी, बल्कि आज भी पसंद की जाती हैं, लेकिन उस दौर में समाज के मूल्यों को दर्शाती ये फिल्म बखूबी लोगों के दिल में घर कर गई। हालांकि उसके बाद इस सब्जेक्ट पर, इस कथानक पर कई फिल्में बनी, लेकिन जब यह फिल्म बनी थी उस समय यह कथानक अछूता था। उस समय लोगों ने इस कथानक को, एक कहानी को मानो आत्मसात किया, अपना लिया, क्योंकि एक परिवार के मूल्यों को दिखाती यह फिल्म थी। और मीना कुमारी है अगर फिल्म में तो जाहिर सी बात है कि कलाकारी के परचम लहराए गए होंगे, क्योंकि साथ में रहे बलराज साहनी साहब। तो फिल्म की कहानी, उसके गीत आपकी नजर हम करेंगे। आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़। Thank you.
कलाकार ने कौन सा पात्र निभाया वो अगर हम आपको पहले बता दें तो कहानी सुनने में मजा आता है। श्याम का किरदार निभाया बलराज साहनी साहब ने, मीना कुमारी बनी गीता यानी श्याम की अर्धांगनी, मोहन जो थे वो थे श्याम के छोटे भाई और वो किरदार निभाया था शैलेश कुमार ने, सीमा देव थी प्रभा के किरदार में और यही प्रभा आगे चलकर मोहन की पत्नी बनती है, प्रभा की मां के रूप में थी दुर्गा खोटे और प्रभा के पिता के रूप में ओम प्रकाश। इस फिल्म की अगर संगीत की बात करें तो सुधीर फड़के साहब का बेहतरीन संगीत रहा और इस फिल्म में कुल 8 गाने रहे दोस्तों, और उन 8 गानों में से 4 गाने लता जी के नाम रहे, और खास तौर से ये गीत जो है ज्योति कलश छलके, ये राग भूपाली में रचा गया और इसे आज तक ये कहा जाता है व्यापक रूप से कि राग भूपाली पर बेस्ड जो बेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड रचनाएं हैं, उनमें से ये गीत सबसे ऊपर आता है।
गीता के रूप में मोहन को अपनी प्यारी भाभी मिल गई है। जी हाँ, गीता ने शादी की है श्याम से, और श्याम देर से शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि मोहन जो उसका छोटा भाई है, जिसका उसने पाल पोषण कर उसको बड़ा करना है, क्योंकि श्याम और मोहन के माता पिता उन्हें इस दुनिया में छोड़कर, अनाथ छोड़कर इस दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। लिहाजा श्याम सोचता है कि मेरा ही फर्ज है कि मैं अपने भाई का भरण पोषण करूं, उसे एक अच्छा नागरिक बनाऊं, उसे एक अच्छी परवरिश दूं। दिन रात उसके लालन पालन में ही लगा रहता है श्याम, और अपनी सुध नहीं है कि अपने जीवन को भी सवारे या अपनी शादी करके अपना भी घर बसाए। लेकिन मोहन की जिद के आगे आखिर श्याम को झुकना पड़ता है, और एक अच्छा रिश्ता जब उसके पास आता है तो जाकर वो देखता है गीता को, तो पहली नजर में ही हां कर देता है। और गीता के माता पिता भी श्याम के रूप में एक अच्छा वर पाकर अपने आप को धन्य समझते हैं। और इधर मोहन की तो मान लो खुशियों का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि उसे भाभी के रूप में मिल गई है प्यार करने वाली मां। ईश्वर सब कुछ हर इंसान को नहीं देता, अगर कुछ सुख की छाया देता है तो दुख की धूप भी साथ ही साथ देता है।
ताकि इंसान जो है वो हर स्थिति में उसको याद करता रहे और कभी भी अपने लक्ष्य से ना भटके। इसी तरह से श्याम और गीता की बगिया में सब तरह की खुशियां हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई औलाद नहीं है। जी हां, गीता की गोद सूनी है और इसीलिए वो सारा प्यार, अपना सारा दुलार, सारी ममता जो है मोहन पर लुटाती है। मोहन उसके लिए मानो देवर नहीं बल्कि अपना बेटा है। श्याम और गीता के प्यार से सींच कर ये पौधा अब एक पेड़ बन गया है। मोहन बड़ा हो गया है, पढ़ लिख कर एक प्रोफेसर, कॉलेज में एक प्रोफेसर बन गया है और उसकी शादी होती है प्रभा से। रिश्ता पक्का होता है प्रभा से, प्रभा को वो पसंद है और प्रभा भी उसे दिलो जान से चाहती है। खोजते हैं मधुर गान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। बाहर पांखों में अरमान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई, मधुर गंध किसका संदेशा है लाई, हृदय की हुई है हृदय से सगाई, चले आ रहे हैं मेहमान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। हवाओं से कह दो जरा धीर बोले, कहो बुलबुलों से जरा धीर बोले, हवाओं से कह दो जरा धीर बोले, कहो बुलबुलों से जरा धीर बोले, वो मुस्कान मेरी ओ वरदान मेरे, कहाँ उड़ चले हैं मन प्राण मेरे, कहाँ उड़ चले हैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति,
महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन। कोई बोले राम राम। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल। मैं मनोज प्रभाकर रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी कौम से कि आने वाले इलेक्शन में वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। हर वोट जरूरी, सबको ये सब जाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है, सरकार हमारी अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है। पिता, माँ, पुत्र, पुत्री या रिश्तेदार की भूमिकाएं हम परिवार और समाज में बखूबी निभाते हैं। अब बारी है प्रजातंत्र में अपनी भूमिका निभाने की। चुनाव में भाग ले रहे प्रत्याशियों के बारे में जानने के लिए नो योर कैंडिडेट ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपना वोट डालने से पहले प्रत्याशियों के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। प्रत्याशियों के बारे में जानना आपका हक भी है और आपके लिए जरूरी भी। बनिए एक जागरूक और जिम्मेदार मतदाता। चुनाव का पर्व देश का गर्व। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अब तो कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। अभी मन नहीं है, पता नहीं किस बात की फिक्र है, लेकिन एंजाइटी फील हो रही है। हाँ तो इसके बारे में खुल के बात की जाती है। कैसे? अगर आप किसी मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बारे में किस से बात करें, तो आप फोन मिलाएं टेलीमानस को। जी हाँ, सरकार द्वारा चलाई फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज आपके शहर में उपलब्ध है, जिसमें आप 24/7 टोल फ्री नंबर 14416 डायल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। जी हाँ, अब आपके साथ है हरियाणा सरकार। आपकी हर प्रॉब्लम का मिलेगा सॉल्यूशन टेलीमानस के साथ। स्वास्थ्य विभाग एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं कोल्ड 100.1 पर। बजकर 34 मिनट और 6 सेकंड, आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वो जो एक फिल्म थी, और आज की फिल्म है 1961 में प्रदर्शित फिल्म भाभी की चूड़ियां।
की प्रभा से हो जाती है शादी, लेकिन उसे क्या पता था कि प्रभा जो एक बेहद अमीर घर की है, उसकी जीवन की बागडोर दरअसल उसके अपने हाथ में नहीं है बल्कि उसकी मां के हाथ में है। और मां चाहती है कि प्रभा जो है वो मोहन को लेकर अलग हो जाए या फिर मोहन जो है वो उन्हीं के घर आकर घर जमाई बनकर रहने लगे। प्रभा के पिता ये कतई नहीं चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मोहन एक गैरतमंद इंसान है और मोहन जो भगवान से भी ज्यादा अपने भैया भाभी को पूछता है वो भला उनको कैसे छोड़ सकता है। लिहाजा गलतफहमियां इस कदर बढ़ने लगती हैं परिवार के अंदर कि प्रभा जो है वो घर छोड़कर मायके चली जाती है, क्योंकि प्रभा को और उसकी मां को हमेशा यही लगता है कि मोहन जो है अपने भैया भाभी के प्रति ज्यादा वफादार है बल्कि वो प्रभा को कम चाहता है। हालांकि ये गलतफहमी है उनकी, मोहन एक सामंजस्य एक बैलेंस बनाकर रखना चाहता है, पूरे परिवार के बीच में खुशी का माहौल चाहता है, लेकिन अपने भैया भाभी को कतई नहीं छोड़ सकता वो। इस बीच भगवान एक बार फिर सुनते हैं गीता की और श्याम की, और गीता की गोद हरी होने का वक्त आता है, वो मां बनने वाली है और उधर प्रभा भी मां बनने वाली है, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर है। गीता एक बच्चे को जन्म देती है लेकिन वो बच्चा होता है निर्जीव, इस दुनिया को देखने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देता है। एक वज्रपात दोबारा से होता है श्याम और गीता के हृदय पर, उनकी जिंदगी पर, लेकिन वो मन मारकर रह जाते हैं। उसी बीच प्रभा भी एक लड़के को जन्म देती है और उसके पिता ये खुशखबरी सुनाने के लिए जब घर आते हैं श्याम और मोहन के पास, तब उन्हें पता चलता है कि उस घर में इतनी दुखद घटना घटी है। तब वो बिना कुछ कहे माफी मांगते हुए वापस जाते हैं। इस बीच मोहन जो है अपनी भाभी और भैया के कहने पर प्रभा से मिलने आता है बेवन से ही, लेकिन साथ ही साथ वो ये कहता है कि मैं अब तुम्हें वापस अपने घर लेकर जाऊंगा। भाभी की हालत ठीक नहीं है, दिन रात दुखी रहती हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम भैया भाभी की सेवा करें और ये नन्हा फरिश्ता जो हमारे जीवन में आया है ये भाभी को भेंट करूं मैं। अनमने मन से ही सही, लेकिन प्रभा मोहन के साथ वापस घर आ जाती है और मोहन बच्चे को लेकर गीता की गोद में दे देता है ये कहकर के भाभी ये मेरी तरफ से आपके लिए एक उपहार है। अब तो मानो गीता को सब कुछ मिल गया, गीता के लिए दुनिया रंगीन हो गई, वीरानियां चली गईं, क्योंकि उसकी गोद में उसके लिए नन्हा कन्हैया जो आ गया है। गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, आज गगन में चंदा देखा, आज फूल ने हंसना सीखा, दीप से दीप जले आशा के घर आंगन मन भाया, रे मेरा नन्हा कन्हैया घर का ताज जब
छबीला आंचल पकड़े कभी हटीला घुटनों के बल चले छबीला आंचल पकड़े कभी हटीला लाल लाडले तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया रे मेरा नन्हा कन्हैया घर को मानो इस नन्हे कन्हैया के रूप में दुनिया ही मिल गई है। सब दुखों को भूलकर वो दिन रात लाड प्यार लुटाती रहती है अपने इस छोटे से बालक पर, इस छोटे से कन्हैया पर। मोहन ने मानो उसे तमाम जीवन भर की खुशियां देती हैं। जिस तरह से उसने मोहन का लालन पालन किया था उससे कहीं ज्यादा वो चाहने लगी है इस बच्चे को। देखते ही देखते एक साल बीत जाता है। आज बच्चे की सालगिरह है लेकिन प्रभा को यह याद नहीं है और मोहन गुस्से से प्रभा को कहता है कि सारा दिन तुम्हें सिवाय नॉवेल्स पढ़ने के या आराम करने के अलावा कोई काम नहीं है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि आज तुम्हारे बच्चे की सालगिरह है। इस पर अचानक से चौंक कर उठती है प्रभा और नीचे जाती है गीता के कमरे में और झटक लेती है अपने बच्चे को उसकी गोद से और ये कहती है कि आज से मैं अपने बच्चे का लालन पालन खुद करूंगी, इसकी देखभाल करूंगी, आप सिर्फ और सिर्फ घर का काम करिए। इतनी कटुता भरी है प्रभा की बातों में क्योंकि उसके दिमाग में जहर भरा है उसकी मां ने। उसी मां ने मायके से जब वापस ससुराल भेजा बेटी को तो यह कहकर भेजा था कि गीता की छाया से भी दूर रखना इस बच्चे को क्योंकि उसका अपना तो कोई बच्चा बचता नहीं है, लिहाजा कहीं तुम्हारे बच्चे के ऊपर कोई आंच ना आ जाए, उसकी नजर ना लग जाए। और जब प्रभा गोद से खींच लेती है गीता से बच्चे को तो गीता ये दुख सहन नहीं कर पाती। उसे लगता है कि क्या वाकई वो इतनी ज्यादा अपशकुन है या उसकी नजर इतनी बुरी है कि अपने इस बच्चे को लग जाएगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद होता यह है कि बच्चा वाकई बीमार पड़ जाता है। तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, तरह तरह के दवा उपचार किया जाता है लेकिन बच्चे के बुखार में कोई सुधार नहीं होता। बुखार है कि दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और तीमारदारी करती है सिर्फ और सिर्फ गीता। दिन रात जागती रहती है, दिन रात उस बच्चे की सलामती की दुआएं मांगती रहती है, प्रार्थना करती रहती है और ईश्वर से कहती है कि हे प्रभु भले ही मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे इस बच्चे को जिंदगी बख्श दो। राख गिरिधारी मेरी लाज राख गिरिधारी मैं लाख जतन कर हारी रे लाज राख गिरिधारी मेरी लाज राख
लगता है कि मानो गिरधारी ने उस प्रभु परमेश्वर ने गीता की लाज रख ली। बच्चा स्वस्थ हो गया, उसका बुखार उतर गया, लेकिन दिन रात की सेवा, दिन रात की तीमारदारी ने गीता को बिस्तर पर ला दिया। गीता इस कदर बीमार पड़ गई कि चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई और दिन रात उसको बीमारी ने जकड़ लिया। अब उसकी तीमारदारी में पूरा घर लग गया। उधर प्रभा को भी एहसास हुआ अपनी गलतियों का कि वो जिस देवी को दुत्कारती थी या जिस देवी को अपशगुन कहती थी या जिस देवी को वो ये समझती थी कि उसकी नजर लगेगी, उसी ने, उसकी प्रार्थनाओं ने मेरे बेटे को ठीक किया और उसने प्रभु को अपनी जिंदगी अर्पण कर दी उसके बेटे की जिंदगी के लिए। लिहाजा प्रभा भी अपने पछतावे पर पश्चाताप करती है अपने किए पर और दिन रात वो भी गीता की सेवा करती है। लेकिन गीता की तबीयत है कि दिन ब दिन गिरती ही जा रही है और मोहन के सामने केवल और केवल अपने बचपन के दिन आ रहे हैं कि किस तरह गीता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया, कितना लाड लड़ाया। और अब उसको लगता है कि अगर गीता नहीं है, उसकी भाभी मां नहीं है, तो ये घर वीरान है। पर भी था घर घर कहला।
किसी की प्रार्थना गीता को नहीं बचा पाई और गीता इस दुनिया को अलविदा कह गई। त्याग की मूरत गीता सभी को अपना प्यार वात्सल्य देने के बाद इस दुनिया से चली गई। फूट फूट कर रोए घर के सभी लोग, लेकिन क्या करते। और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ गीता का, और जब उसकी चिता की राख से अस्थियां चुनने का समय आया तो श्याम और मोहन जब वहां पहुंचे तो देखते हैं कि राख में से गीता की चूड़ियां निकली हैं। तब मोहन कहता है, भैया तुम ये देखकर तुम्हें क्या अंदाजा होता है। ये कहा जाता है कि जो सती होती है उसकी चूड़ियां कभी नहीं जला करती। ये है मेरी भाभी की चूड़ियां। ये कहकर मानो फूट फूट कर रोता है। तब दिखता है कि घर में आज भी गीता की गाय भजन गूंज रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये फिल्म और इसके गीत पसंद आए होंगे। आप सुनते रहिएगा एफएम गोल्ड, आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि कुछ ही पल बाद आप सुनेंगे समाचार और 1:10 पर आपसे भेंट होगी दिल ढूंढता है में, पुरसुकून नगमों का कार्यक्रम। वे गुलाबी लाल सुने